Rahim. Assalamu alaikum. Welcome to Ghor Publishers. Our slogan is Redefining the Geography of Education Through Digital Resource for Conceptual Learning. My name is Asib Yamin Khan, and today we are going to discuss Ghor Skill Up Mathematics Series Grade 5. The unit is 15. The title of unit 15 is Data Representation. डेटा रिप्रेजेंटेशन में आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक्सरसाइज 15.1 पे है। 15.1 में हमें वो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, यूज द बार ग्राफ एट द राइट टू आंसर द फॉलोइंग। वो कह रहा है राइट पे आपको जो बार ग्राफ दिया हुआ है इसको आप देखते हुए इससे रीड आउट करते हुए आंसर दें। वो कह रहा है हाउ मेनी टर्टल्स वर इन द पेट शो। देखें टर्टल्स कितने की हैं, तो ये 10 और 8 के दरमियान ये क्या आ जाएगा 9। Which type of pet had the fewest entire in the show? कहते हैं जो सबसे कम कौन से हैं? Fish. How many more gables than mice were in the pet show? देखें, mice कौन सा हमारा? Mice के कितने हैं? 13. और gables के कितने हैं? 14. तो difference कितना आ गया? 1 का. तो कितने आ जाएगा? 1 more. How many fewer fish than rabbits were in the pet show? देखें, rabbits कितने हमारे पास? 9 और fish कितने हमारे पास? 5. तो ये क्या आ जाएगा? 4. Question number 2 में कह रहा है, use bar graph to answer the following. Bar graph use करते हुए answer दें। In which year did the A's lose the same number of games as they won? कहता है देखें किसमें जो same number of ये blue वाला जो हमें won बता रहा है और ये grey वाला loss बता रहा है। कहता है कब उसने equal match जीते और हारे? ये कौन सा आ गया? 2004. In which year did they lose thrice as many games as they won? कह रहा है बताएं कि वो कितनी गेमें क्या नाम है वो हारा है जबकि वो उससे तीन जीता भी हो। तो देखेंगे कौन सा है 2007. तो इधर क्या जगह 2007. In which year did he won all the games? सारी गेम किसमें जीता है 2008 में। In which year did he won 5 games? वो कहता है पांच गेमें किसमें जीता है। तो ये देखिए पांच गेमें जीता है 2003 में। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ गेम्स वॉन एंड लॉस बाय एस। वो कह रहा है वो एसिस की कितनी गेमें जीता और लॉस की हैं। देखें सबसे पहले हम वॉन वाली गिन रहे हैं, ये 5, इसकी कितनी है 8, 4, 12, 9, 14, 5 और 8 13, 13 और 4 17, 18, 19, 29, ये 29 हो गया, 29 और उसके बाद 14 और फिर 9। देखें 9 और 9 18, 18 और 4 18, 19, 20, 21, 22, तो 2 और 2 4 और 5, इट मींस वो कितनी गेम जीता है? वन उसने की है 52 और लॉस कितनी की है इसने? ये देखेंगे 11, 11 में 8 ऐड किए, 19, 19 में 12 ऐड किए, 20, 21, 31, 31 में हमने कितने ऐड किए 4, 35, 35 में हमने कितने ऐड किए 7, 42, 42 में हमने कितने ऐड किए 2, तो ये कितना हो गया 44, तो उसने लॉस कितनी की 44, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है यूज अ टेबल टू कंप्लीट द हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। वो कह रहा है इसको करके इसको कंप्लीट करें बार ग्राफ को। पहला कह रहा है ड्रा क्रॉस बार ग्राफ टू द रिप्रेजेंट द डाटा। पहले इसको इधर ड्रा करते हैं। देखें कैट को उसने 30 तक हमें वो दिया हुआ है, चीता 70 है, तो देखें इसको 70 यहां तक कर देते हैं। एलिफेंट 25, ये 20 से थोड़ा सा आगे जाके इसके मिड में 25 आ जाएगा, और ग्रिजली बियर का 30 है, तो ये हो गया। ठीक है, अब कह रहे हैं विच एनिमल हैज द शॉर्टेस्ट बार। सबसे शॉर्टेस्ट बार किसकी है? एलिफेंट की। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे? एलिफेंट, क्यों? क्योंकि इसका नंबर भी सबसे कम है। विच टू एनिमल्स हैव बार ऑफ द सेम लेंथ। सेम लेंथ के कौन कौन से हैं? ये कैट है और कैट एंड ग्रिजली बियर। What does that mean? इसका means ये है कि इन दोनों की स्पीड सेम है। इसी तरीके से हम इसके बाकी क्वेश्चन रिजॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं।
वो कह रहा है गिवन ब्लो इज द डाटा शोइंग द फेवरेट फास्ट फूड ऑफ द बॉय एंड गर्ल ऑफ अ क्लास B5। कहता है क्लास 5 के वो उनका फेवरेट फूड लिखा हुआ है गर्ल्स का और बॉयज का। डबल बार ग्राफ ड्रा करने रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कि आपको फॉलोइंग इंफॉर्मेशन क्या हो शो हो जाए। तो देखिए इधर हम लिख लेते हैं 5 का मल्टीपल 0 5 10 15 20 25 30 35 and 40। और इधर दूसरी तरफ हम क्या लिख लेते हैं बॉयज और गर्ल्स का करना है। तो इसमें वो कह रहे पिज्जा एंड नूडल्स है, पास्ता बर्गर। अब हमने इसको शो करना पिज्जा, देखिए बॉयज कितनी है। अब जो पहला बार ग्राफ होगा वो बॉयज के लिए, दूसरा होगा वो गर्ल्स के लिए। पिज्जा बॉयज कितना लाइक करते हैं 25, तो ये देखें, और गर्ल्स कितना लाइक करती हैं 30। ये इस तरीके से हो गया। बॉयज के लिए मैं इसमें कलरिंग कर रहा हूं, ठीक है, ये बॉयज के लिए और दूसरा किसके लिए गर्ल्स। इसी तरीके से हम इसके बाकी भी ड्रा कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है द नंबर ऑफ द फ्रूट इन ईच टाइप इज शोन इन द टेबल। टेबल के अंदर ईच टाइप का फ्रूट शो किया हुआ है, वो कह रहा है रिप्रेजेंट ऑन द बार ग्राफ। इसको बार ग्राफ पे शो करें, फाइंड द रेशियो ऑफ द ऑरेंज टू स्ट्रॉबेरी। बार ग्राफ इस तरीके से शो करेंगे जिस तरीके से हमने पिछला शो किया था, लेकिन वो डबल में था, ये सिंगल में है, उससे आसान है। तो हम इधर कट भी देते हैं, एप्पल मैंगो वाटरमेलन स्ट्रॉबेरी ऑरेंज। तो इसको हम 2 के टेबल पे ले जाते हैं, 2 4 6 8 10। तो एप्पल पे 5 है, तो एप्पल यहाँ बार बनाएगा, इस तरीके से बाकी भी बना देंगे। अब अगर फाइंड द रेशियो ऑफ ऑरेंज एंड टू स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज टू स्ट्रॉबेरी वो क्या है, ऑरेंज मेरे पास कितने हैं 6, स्ट्रॉबेरी 3, तो 6/3 3/6 तो ये क्या आ गया 2:1। इसी तरीके से हम इसके बाकी भी पार्ट रिजॉल्व कर सकते हैं। 6 में कह रहा है गिवन बिलो इज द डाटा शोइंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 4। क्लास 4 का डाटा शो कर रहा है हुज बर्थडे फॉल्स इन द फर्स्ट 5 मंथ, जो कि पहले 5 मंथ में इनकी बर्थडे आ रही है। मेक अ हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ फॉर द गिवन डाटा, तो इसका आपने हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बनाना है। तो उम्मीद है ये आप इसको खुद रिजॉल्व कर लेंगे, क्योंकि सिंपल इसका बार ग्राफ ही बनाना है। जी स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। घर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।